आप सब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो मेरा रिव्यू है ग्लैमर ग्लो ऑफिशियल की, जो मुझे उन्होंने नेल पॉलिशेस पीआर में भेजी थी, उसका रिव्यू करना चाह रही थी मैं, क्योंकि मेरे डीएम में आप लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे कमेंट्स किए कि यार फरहीन इसका रिव्यू चाहिए हमें, तो मैं लेके आ गई हूँ वीडियो। तो जी पहले तो बात होती है इसकी पैकेजिंग की, क्योंकि इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है या किसी को तो ये पैकेजिंग बेस्ट है गिफ्ट के लिए। मतलब बहुत सी लड़कियां गिफ्ट करना चाह रही होती हैं अपनी सिस्टर्स को, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी कजन्स को कि हम क्या गिफ्ट करें, तो नेल पॉलिश से बेहतर गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम आजकल की लड़कियों को अपने नेल्स और अपने नेल कलर से बहुत प्यार है। इसकी पैकेजिंग की बात हो गई, गिफ्ट्स की बात हो गई, अब इसको खोल के देखते हैं कि ये शेड्स कौन से हैं। ये 5 शेड्स हैं जो उन्होंने मुझे भेजे थे, और साथ उन्होंने एक आईलाइनर भेजा था। आईलाइनर का रिव्यू मैं बाद में करूंगी, लेकिन अभी मैं इन 5 कलर्स का रिव्यू जरूर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आती है बात जी क्वालिटी की, तो इसकी क्वालिटी बेस्ट है। मतलब लाइक पहले आप इसकी बॉटल देखें ग्लैमर ग्लो की, बॉटल अच्छी लगे तो अंदर पता चलता है कि हाँ जी अंदर का स्टॉक क्या है। वो कहते हैं ना, अ बुक कैन टेल इट्स स्टोरी। इसकी बॉटल बहुत जबरदस्त है, इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत खूबसूरत कलर्स लगे हैं। उन्होंने मुझे अपनी कलर्स की बुकलेट दी थी कि आप सेलेक्ट कर लें इसमें से कौन कौन से कलर्स हैं, तो मैंने इसमें से सेलेक्ट किए ये 4-5 कलर्स। सबसे ज्यादा मेरा जो फेवरेट था और जो आजकल बहुत ज्यादा इन है वो ये कलर है, चारकोल कलर। दिस इज द बेस्ट कलर जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग पे है, बहुत ज्यादा। इतनी अच्छी पैकेजिंग आपको मुझे नहीं लगता कोई भी नेल बॉक्स देगा। ये देखें, इसमें इन्होंने अच्छी तरह नीचे ये वेलवेट का कारपेट लगाया हुआ है, या जो भी पैच लगाया हुआ है, ताकि आपके नेल कलर्स टूटे नहीं, डैमेज ना हो, आप किसी को गिफ्ट भी करें तो बहुत प्रॉपर वे में ये इसमें सेट रहे। और जो इसका बॉक्स है ये पूरा सेट कितना खूबसूरत है। ओके जी, अब बात आ जाती है कि हम अपने नेल कलर्स को कैसे अप्लाई करें। बहुत सी लड़कियों को नेल कलर्स अप्लाई तो करना आ जाता है, लेकिन वो जो उसकी फिनिशिंग होती है ना वो नहीं आती है। तो मैं आपको अच्छा तरीका बताती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं और सबसे पहले इसकी फिनिशिंग कैसे देते हैं। आप सबके पास एक ये बफर तो होगा ही, ठीक है ना, ये नेल बफर तो कहीं से भी मिल जाता है। इसकी 2 साइड्स होती हैं, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। दिस साइड इज फॉर लाइक अपने आपके नाखून को बफ करने के लिए। सबसे पहले आपने नेल लिया, आपने इसको अच्छी तरह बफ कर दिया, ठीक है, आपका नाखून हो गया ऐसे सफेद सफेद सा, ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह बफ कर दिया। अब आपने देनी है शाइन आपने नेल पे। तो आप देखें, ये देखें मेरा नाखून, इसका सारा जो जितना भी डेड पार्टिकल्स था वो सब रिमूव हो गया। डेड पार्टिकल्स मैंने रिमूव कर दिए अपने नेल्स के। अब मुझे देनी है शाइन, तो मैं सेकेंड पोर्शन जो इसका अच्छा वाला साइड होगा इसको वो करूंगी। अब मैं अपने नेल पे ये करूंगी तो मेरे नेल पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली शाइन, बफिंग शाइन, जो हम शिमर भी, शाइनर भी कहते हैं। ये देखें जी, नजर आ रहा है आपको, ये देखें जी कितनी अच्छी शाइन आ गई है मेरे नेल पे, ठीक हो गया। मैं इसी तरह सब नेल्स पे करती हूँ और फिर वापस आती हूँ और फिर नेल कलर्स लगाते हैं। ओके जी, मैंने अपने नेल्स को बफ कर लिया है। ये बफर आपको कहीं से भी आराम से मिल जाएगा। पार्लर्स में भी जब हमारा मैनिक्योर हो रहा होता है या पेडिक्योर वो कर रही होती हैं, तो हमारे नेल्स पे वो बफ करती है तो कितनी शाइन आ जाती है। सबसे पहले मैं ये अप्लाई करूंगी कलर जो मैंने अपने नेल्स बफ कर लिए हैं, और अब देखेगा इसके बाद कितना खूबसूरत कलर लगेगा। मैं एक कोट भी करूंगी ना तो नेल्स कितने खूबसूरत तरीके से लगेंगे, कलर कितना खूबसूरत तरीके से नेल्स पे लगेगा।
ये कलर अप्लाई कर लिया है मैंने, यहाँ पे फिंगर्स बंद नहीं हो रही थी। ओके जी, कैसा लग रहा है ये कलर आपको? अच्छा लग रहा है ना? मैंने सिर्फ एक कोट किया है और इतना खूबसूरत लुक देने लग गया है ये देखें। ये कलर इस वक्त इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे और लड़कियों का आजकल सबसे फेवरेट कलर है ये। अच्छा लग रहा है ना? अब मैं इसको आपको सेकंड कलर अप्लाई करके दिखाती हूँ कि सेकंड कलर का क्या लुक दे रहा है मुझे। मुझे चाहिए था ये कलर अपने एक इंस्टाग्राम की वीडियो के लिए, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया था उनसे। और ये कलर अब मैं देखती हूँ कि इसका क्या, इसकी क्या कवरेज है, इसकी कैसी लुक दे रही है। मैं ये कलर रिमूव करूंगी और फिर ये कलर आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले बात आती है क्वालिटी की, तो क्वालिटी आपके सामने है। मैं कुछ नहीं कहूंगी कितनी फाइन क्वालिटी है, मैंने आपके सामने अप्लाई किया है और कितनी जबरदस्त इसकी क्वालिटी है। ठीक है जी, अब मैं ये रिमूव करती हूँ और फिर ये कलर आपके सामने अप्लाई करती हूँ। ओके जी, नेल कलर रिमूव कर दिया है, अब बारी है नेक्स्ट कलर की, जो कि मुझे खुद भी चेक करना है कि कैसा लुक दे रहा है, क्योंकि मुझे एक अपने इंस्टाग्राम की लुक के लिए चाहिए था। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे ये कलर चाहिए, तो उन्होंने मुझे भिजवाया ये कलर। मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, लिटरली बहुत जबरदस्त क्वालिटी। जी चेक आउट द कलर, कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे लगा था ये गोल्डन कलर थोड़ा सर पे चढ़ जाएगा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और गोल्डन वैसे भी आजकल बहुत बहुत इन है ये कलर। ठीक है जी, और इसकी पिगमेंटेशन चेक करें आप, इस कलर की क्वालिटी चेक करें आप, बहुत 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 फाइन क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। जो कलर्स की क्वालिटी है, मतलब नॉर्मली मैं कलर्स यूज करती हूँ तो आप एक दिन अप्लाई करते हो, फिर उसको लगा के रखते हो और पानी में आपके हाथ जाते हैं तो वो आधा उतर चुका होता है। लेकिन ये मैंने जब आया था और इंस्टाग्राम पे मैंने आपको इसका स्टोरी पे बताया था और मैंने ये वाला कलर अप्लाई भी किया था, तो उसके बाद आज ये तीसरा दिन है मेरा ये ब्राउन कलर रिमूव नहीं हुआ था। और आज मैंने रिमूवर से रिमूव किया था, तो क्योंकि वीडियो बनानी थी तो मैंने रिमूवर से रिमूव किया तो जाके वो रिमूव हुआ, वरना वो तीन दिन में पांचों उंगलियों पे कलर लगा हुआ था तो वो रिमूव नहीं हुआ था। इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसमें ना ये गोल्डन वाली में इसमें ग्लिटरी टच था, मैट नहीं थी, इसमें ग्लिटरी थी, ग्लिटर थी जो कि मेरे हाथों पे भी लग गई है थोड़ी सी, लाइक मैं रिमूव कर रही थी तो, लेकिन बहुत खूबसूरत कलर लग रहा था। अच्छा जी, अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये कलर। ठीक है, पिंक कलर बहुत टच कलर है, क्योंकि ये जो कलर है ना ब्राउन, ये मैं अप्लाई करके देख चुकी हूँ कि इसका क्या रिजल्ट है। बाकी रह जाएगा ये कलर, तो मैं आपको पिंक के बाद अप्लाई करके दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत कलर, ओके जी, ये कलर कितना खूबसूरत है। हर कलर अपने में एक अलग पसंद दे रहा है, अलग चॉइस दे रहा है कि कौन सा कलर कितना अच्छा है। ये कलर तो मेरा हमेशा से फेवरेट है, फेवरेट, जैसे मैं अपनी फेवरेट हूं ना जैसे ये कलर मेरा फेवरेट है। कितना खूबसूरत कलर है, और कितनी मैंने सिर्फ वन टच कोट दिया है इसमें, सिर्फ वन टच कोट, एक्स्ट्रा कोट नहीं दिया। लेकिन इसकी क्वालिटी आप चेक करें। अच्छा, नेल कलर से हाथ कितने अच्छे लगने लग जाते हैं। अगर आप शादी पे जा रहे हो और मैचिंग कलर के या नेल कलर लगा लो तो आप, मतलब नो वर्ड्स आए। ऐसे भी आजकल की लड़कियों का नेल कलर के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। वीडियो बनानी है तो नेल कलर सबसे पहले अप्लाई करना है, कहीं शादी पे जाना है तो नेल कलर सबसे पहले अप्लाई करना है। अच्छा जी, कहीं आप कहीं छोटी सी गैदरिंग पे भी जा रहे हो तो सबसे पहले नेल कलर अप्लाई करना है, और मैचिंग नेल कलर होने चाहिए। और ड्रेसिंग पे सबसे ज्यादा आई गेस नेल कलर्स ही अवेलेबल होते हैं। मेरे पास ये मेडोरा का है, ये मैं इतना यूज करती हूँ, इतना यूज करती हूँ, और ये बहुत खूबसूरत कलर है। तो सबसे ज्यादा आई गेस
इस वक्त लड़कियों में कॉस्मेटिक में नेल कलर्स होंगे। ओके जी, अब बारी है इस नेल कलर की, और उसके बाद मैं ये नेल कलर नहीं अप्लाई कर रही हूँ। ये है तो ब्राउन, ब्लैक लग रहा है लेकिन ब्लैक नहीं है, ब्राउन है। क्योंकि अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, दो फिंगर्स पे ये अप्लाई कर लेती हूँ, दो फिंगर्स पे ये अप्लाई कर लेती हूँ, आपको दोनों कलर दिखा देती हूँ, ठीक है जी, ताकि आपको दोनों की कंफ्यूजन ना हो, आपको दोनों का पता हो कि दोनों कलर कैसे हैं और दोनों की क्या क्वालिटी है। ओके जी, चेक दिस आउट, मैंने दो फिंगर्स पे ये कलर लगाया है, अप्लाई किया है, ताकि आपको पता चले कि ये कौन सा कलर है। ये ब्राउन कलर है, ये बहुत खूबसूरत कलर है। और तीन फिंगर्स पे ये अप्लाई कर लिया ताकि इसकी भी क्वालिटी पता चल जाए। बहुत 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 अच्छी क्वालिटी है इन नेल कलर्स की, ग्लैमर ग्लो। मेरी इंस्टाग्राम पे भी इसकी पूरी डिटेल्ड है, मेरी स्टोरीज पे जो जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, मैं जितनी भी मुझे पीआर आती है या जो भी कुछ आता है, मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे बिल्कुल डेफिनेटली रोजाना अपलोड करती हूँ। तो जिसने मेरी स्टोरी देखी है उसको तो पता होगा कि मुझे ये पीआर में कैसे कब आया था, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है तो वो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मेरी अपडेट्स देखते रहें। ठीक है जी, आपने ये कलर्स देख लिए, इनकी कितनी खूबसूरत क्वालिटी है, कितनी अच्छी क्वालिटी है। अच्छा जी, पेज का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, या हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगी पेज का लिंक। ठीक है जी, ओके जी, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये कलर्स कैसे लगे ग्लैमर ग्लो के, और बहुत बहुत अच्छी चीजें हैं इनकी, इनके पेज पे आप जाके देखेंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो इनके पास और भी चीजें अवेलेबल हैं। और इनका आई गेस फाउंडेशन भी अभी जल्द, मैंने तो अपनी ईद कलेक्शन ले ली, अब आपने ईद कलेक्शन कब लेनी है? आपने जो भी अपना ईद का ड्रेस बनाया होगा उसके साथ की नेल पॉलिश तो जरूर चाहिए होगी आपको, तो जल्दी ऑर्डर करें अपना नेल कलर। और बहुत बहुत रीजनेबल प्राइसेस में है इनका पेज, इनकी नेल कलर बहुत रीजनेबल प्राइस में है। और इनका जो लाइनर इन्होंने मुझे भेजा है वो पेन लाइनर है, जो इन्होंने मुझे पेन लाइनर भेजा है उसके लिए भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी, रिव्यू वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझे इनकी नेल कलर की क्वालिटी तो बहुत अच्छी लगी, आई होप इनका आई लाइनर क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। ओके जी, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा, मेरी वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और ये नेल कलर्स की क्वालिटी कैसी लगी। आप अपने नेल कलर्स को नेल आर्ट भी बना सकते हैं, आपको इनका पेज चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।